हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भारद्वाज व्यूज, ओनली नॉलेज फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइस, कुंभ मेला हर 12 साल के अंतराल पर हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब ऐसी ग्रहों की स्थिति बनने पर कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। तो इससे पहले कुंभ मेले का हरिद्वार में भव्य आयोजन साल 2010 में हुआ था। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पवित्र आयोजन में पहुंचे थे। तो अब 12 साल बाद फिर से कुंभ का हरिद्वार में आयोजन होना है। तो वैसे तो ये साल 2022 में होना माना जा रहा था, लेकिन ग्रहों की स्थिति 2021 में ही कुंभ मेले के अनुरूप बन रही है। यानी बृहस्पति कुंभ राशि में पहुंच रहे हैं और सूर्य मेष राशि में। तो संतों ने सर्वसम्मति से कुंभ मेले का हरिद्वार में आयोजन 2022 की जगह 2021 में ही होना तय किया है। संतों के साथ 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने महाकुंभ 2021 के शाही स्नानों की तिथियों का ऐलान कर दिया है। तो ये जो शाही स्नान की तिथियां हैं कुंभ मेले 2021 हरिद्वार की, वो हैं 11 मार्च 2021, ये महाशिवरात्रि का दिन है जब पहला शाही स्नान होगा। उसके बाद 12 अप्रैल 2021, ये सोमवती अमावस्या का दिन है जो कि दूसरा शाही स्नान का दिन होगा। 14 अप्रैल 2021 को यानी बैसाखी को तीसरा शाही स्नान और 27 अप्रैल 2021 को चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर चौथा शाही स्नान और यानी अंतिम शाही स्नान होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लाइक अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज़ वीडियोज़ आप तक आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।